8/2020 तकरीबन एक महीने बाद की रिपोर्ट है। एक महीने इन्होंने दवा खाई 40 दिन के बाद में, और आज इनका जो है ये एनएफटी आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये लाल पैथोलॉजी लैब की ये सारी रिपोर्ट है, पहली भी और दूसरी भी। तो देखिए इनका जो है अब एनएफटी एजीओडी में 36 हो गया, लेस देन 50 है नॉर्मल हो गया, एसजीपीटी भी 44 हो गया, ये लेस देन 50 चाहिए ये भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद में बिलुरुबिन 1.60 है, ये 120 तक नॉर्मल है, तो तकरीबन ये भी नॉर्मल के करीब है। और बाकी भी सारे इनका जो है प्रोफाइल एनएफटी प्रोफाइल नॉर्मल हो गई एक महीने दवा खाने के बाद। अब इस वक्त जैसे ये बता दें कि दवा खाने से पहले इनकी हिम्मत इतनी भी नहीं होती कि घर में चल फिर सकें, लेकिन आज ये वहाँ मेरठ से अपनी गाड़ी से आए हैं, बाइक से। अच्छा, आज बेटे के साथ ये पीछे बाइक पर बैठ कर वहाँ मेरठ से आए हैं और अब आपके सामने बता रहे हैं कि तबीयत ठीक है। तो ये हमारे पास एविडेंस है और सबूत है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक तो मरीज को जो तकलीफ है उसके सारे जो सिम्टम्स हैं उसमें मरीज को कितना आराम हुआ, नंबर एक। नंबर दो जो इन्वेस्टिगेशन है यानी एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और आपके फाइब्रो स्कैन, ये सब कराते हैं और उसमें भी देखते हैं कि हमारा कितना कम हुआ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि उस वक्त इनका फाइब्रो स्कैन ये 14.8 था, लेकिन सिम्टम्स कंट्रोल हो गए, एलएफटी नॉर्मल हो गया, कोई एसआईटिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज हम फिर इनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आज जो है ये चूंकि 3 साल पहले कि ये 6 महीने दवा खा ली, तो अब आप फाइब्रो स्कैन जैसे, लेकिन एलएफटी नॉर्मल हो गया। अब जो है क्या नाम आपका हाशिम साहब, जो मरीज लीवर की बीमारी में मुबतला है और वो दूसरे अस्पतालों में इलाज करा के उनको आराम नहीं हो रहा, अब आप बता रहे कि यूनानी इलाज करा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफी आराम हुआ। ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसे मरीजों के लिए यूनानी के लिए भेजता हूँ, यूनानी के पास जाएं, वहीं पे जो है, और मैं तो खास तौर से डॉक्टर अख्तर के लिए जो है रिकमेंड करता हूँ। बाकी पहले भी मैंने मरीज जो है यहाँ के लिए भेजे हैं आपके यहाँ से मुजीदिया में, और वो मरीज आए हैं आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्तेदार जो थे वो भी ठीक हैं, उन दवाई से काफ़ी उनको बहुत आराम मिला है, और वो जो है आपको और हमको भी जो है बहुत दुआ देते हैं और आगे भी, आगे के लिए भी जो भी है इस तरह के लीवर के मरीज हमें मतलब मिलेंगे या हमसे पूछताछ करेंगे तो उसके लिए हम इंशाल्लाह जो है मतलब इसके मजीदिया के लिए और डॉक्टर। अब ये कालिंदी हॉस्पिटल है जी, ये कालिंदी, हाँ, चूंकि मजीदिया हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल था जी, वहाँ से हमारा रिटायरमेंट हो गया अभी 31 जुलाई को जी, तो हमने 3 जुलाई से यानी 3 अगस्त से अब ये कालिंदी हॉस्पिटल है जसोला बिहार में जी, यहाँ बैठना शुरू कर दिया है जी। तो अब जिस मरीज को भी आप बताएं तो यहाँ का पता बताएं जी, बिल्कुल यही है। हम यहाँ सोमवार और मंगलवार 9 बजे से 1 बजे तक हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं जी, इस अस्पताल के अंदर और इसी में। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे।